उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित वह बिंदु है जहां पृथ्वी का घूर्णन अक्ष पृथ्वी की सतह से मिलता है। उत्तरी ध्रुव को ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और टेरेस्ट्रियल नॉर्थ पोल भी कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी पर सबसे उत्तर में स्थित बिंदु है। यह दक्षिण ध्रुव के एकदम विपरीत स्थित है। उत्तरी ध्रुव का लेटिट्यूड अक्षांश 90 डिग्री है। सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव पर मिलती हैं, इसलिए उत्तरी ध्रुव को किसी भी देशांतर से व्यक्त किया जा सकता है। अगर आप उत्तरी ध्रुव पर खड़े होकर किसी एक दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो वह दिशा दक्षिण ही होगी, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर जाकर सिर्फ एक ही दिशा बचती है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के ऊपर स्थित है। अत्यधिक ठंड होने की वजह से यहाँ समुद्र के ऊपर बर्फ की एक मोटी परत जमी रहती है। उत्तरी ध्रुव के सबसे नजदीक का द्वीप केफ्डलबेन आइलैंड है, जो कि नॉर्थ पोल से 700 मील की दूरी पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल देहराज आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यूट्यूब वर्ल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और ज्योग्राफिकल उत्तरी ध्रुव दोनों अलग अलग हैं। पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव समय के साथ साथ अपना स्थान बदलता रहता है, जबकि ज्योग्राफिकल उत्तरी ध्रुव में एक जगह स्थिर रहता है। आपने चुंबकीय कंपास तो देखा ही होगा, जिसकी सुई हमेशा उत्तर की दिशा की ओर संकेत करती रहती है। क्या हो अगर आप एक चुंबकीय कंपास लेकर पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर खड़े हों, तब यह सुई किस दिशा में संकेत करेगी? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने पर मैग्नेटिक कंपास बड़ा ही अजीब व्यवहार करता है। चुंबकीय कंपास की सुई थोड़ी देर तक घूमेगी और फिर किसी भी स्थान पर रुक जाएगी। अगर आपके आसपास कोई चुंबकीय या धात्विक चीज मौजूद है तो यह सुई उसकी ओर इशारा करेगी, न कि उत्तर दिशा की ओर। उत्तरी ध्रुव पर एक और अजीब बात होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है तथा वर्ष के 6 महीने रात रहती है। ऐसा उत्तरी ध्रुव के पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के करीब होने की वजह से होता है। यह परिघटना अलास्का, नॉर्वे और आर्कटिक सर्कल में पड़ने वाले कई दूसरे देशों में देखी जा सकती है। उत्तरी ध्रुव पर गर्मियों के दौरान सूर्य हमेशा क्षितिज के ऊपर रहता है तथा सर्दियों के मौसम में यह हमेशा क्षितिज के नीचे रहता है। उत्तरी ध्रुव पर सूर्य उदय 20 मार्च के आसपास होता है तथा सूर्य 3 महीनों का समय लेकर आकाश में अपने उच्चतम स्थान 23.5 डिग्री ऊपर तक आकाश में ऊंचा उठता है। इसके बाद यह धीरे धीरे डूबने लगता है तथा 23 सितंबर के लगभग क्षितिज के नीचे अस्त हो जाता है। पृथ्वी के सभी स्थानों पर समय का मापन आकाश में सूर्य की स्थिति के अनुसार दर्शाया जाता है, जैसे कि सुबह सूर्योदय होता है तथा दिन के मध्य में सूर्य हमारे सर के ऊपर पहुंच जाता है, वह शाम को पश्चिम में अस्त हो जाता है। उत्तरी ध्रुव पर यह व्यवस्था पूरी तरह गड़बड़ा जाती है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर सूर्य वर्ष में केवल एक बार ही उदय होता है और एक बार ही अस्त होता है, इसलिए वहां समय का निर्धारण संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में कोई यह नहीं कह सकता कि उत्तरी ध्रुव पर अभी दिन के 2 बजे हैं या 4 बजे हैं। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले यात्री किसी भी टाइम जोन का उपयोग कर लेते हैं, जो भी उनकी सुविधा अनुसार अच्छा होता है, जैसे कि ग्रीनविच मीन टाइम तथा जिस देश से वो यात्री आए हैं उस देश का स्टैंडर्ड टाइम। पृथ्वी के भौतिक उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने का दावा 2 लोगों ने किया था। फ्रेडरिक कुक ने दावा किया कि वे 21 अप्रैल सन 1908 में अपने 2 एस्किमो साथियों अहवेला और एट्यूकीशोक के साथ उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंच गए थे। उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने का दूसरा दावा रॉबर्ट एडविन पियरी और मैथ्यू हैंसन ने किया। उन्होंने कहा कि वे 6 अप्रैल 1909 को अपने 4 एस्किमो साथियों के साथ उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचे थे।
दोनों ही दावों के बारे में विवाद है और सर्वसम्मति से किसी को भी मान्यता प्राप्त नहीं है। खोजकर्ता रोआल्ड एमंडसन और उम्ब्रेटो नोविली ने दावा किया कि वे 1926 में उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ते हुए गुजरे। उनके इस दावे को सर्वसम्मति से सही माना गया। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की तुलना में थोड़ा सा गर्म है। सर्दियों में उत्तरी ध्रुव का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से -13 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। गर्मियों में उत्तरी ध्रुव का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। उत्तरी ध्रुव पर जमी हुई बर्फ 2 से 4 मीटर मोटी होती है। इसके नीचे जमीन नहीं बल्कि ठंडा आर्कटिक महासागर है। उत्तरी ध्रुव पर पोलर बियर पाए जाते हैं। यहाँ पोलर बियर और सील दो ही मुख्य रूप से पाए जाने वाले प्राणी हैं। आर्कटिक फॉक्स भी उत्तरी ध्रुव से 60 किलोमीटर दूर तक देखी गई है। उत्तरी ध्रुव के ठीक नीचे के पानी में बहुत ही कम मछलियाँ मिलती हैं, क्योंकि वर्ष भर यह पानी अत्यधिक ठंडा रहता है। अत्यधिक गहराई पर यहाँ श्रिम्प और एम्पियोफोर्ट्स जैसे प्राणी पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक नॉर्थ पोल पर किसी भी देश का कब्जा नहीं है। उत्तरी ध्रुव के आसपास आर्कटिक क्षेत्र में रूस, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देश पाए जाते हैं। उत्तरी ध्रुव पर तापमान बहुत कम है, वहाँ पर जमीन भी नहीं है। मोटी बर्फ की परत के नीचे केवल महासागर है, इसलिए वहाँ मानव बस्तियाँ नहीं हैं, परंतु आर्कटिक सर्कल में कुछ जनजातियाँ रहती हैं, जिनमें अस्कीमो और इनिट जाति प्रमुख हैं। यह जनजातियाँ सैकड़ों सालों से आर्कटिक क्षेत्र में रह रही हैं। यह मुख्यतः ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उत्तरी ध्रुव के आकाश में अनोखा रंग बिरंगा प्रकाश दिखाई देता है। इसे नॉर्दर्न लाइट्स या उत्तरी प्रकाश भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम आरोरा है। सूर्य से आने वाले आवेशित कणों को पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव की ओर ले जाता है, जहां से वायु के कणों से क्रिया कर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर से हाजिर होंगे एक ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।